ये यहाँ पे भी भाई पूरी चेन सिस्टम है, जहाँ से शुरुआत जो है मशीन की आपकी होती है, तो ये यहाँ से इस तरीके से लोहे से शुरुआत होती है। और ये सारा जो है लोहा, ये यहाँ पूरा यार्ड है जिसके अंदर जो है अलग अलग पुर्जे हैं, अलग अलग सारी चीज़ें जो हैं तैयार जो है होके आती हैं, या अपनी जो है ये केस वाले अपनी तैयार करते हैं। पूरा जितना भी केस के पास मशीन के अंदर जो लोहा इसमें जो लगता है, वो अपना ये लोग यहीं पे जो है इसको तैयार करते हैं। ये देखो, ये मशीन को जो ट्रैक के ऊपर चढ़ाएंगे तो इसको जो लेके आ रहे हैं, और इस तरीके से जो मशीन की आपकी शुरुआत होती है बनने की। और इसके अंदर कोई भी जो है रिपट का काम नहीं है, पूरा जो है काम है वो वेल्डिंग का है। वेल्डिंग से जो है इसको ताकत मिलती है, और ये इस तरीके से इसके प्लेटफार्म वगैरह तैयार होते हैं मशीन के। यहाँ से जो है आपकी मशीन बननी स्टार्ट होती है। जो वो भाई कह रहा था कि टाटा कोई भी हमारा कोई भी चद्दर है, कोई भी चीज़ आप अगर आप काटेंगे तो वो टाटा की ही दिखाई देगी। देखो ये टाटा की जो है यहाँ मोर आपको जो है देखने को मिलेगी, और जो इंजन का जो प्लेटफार्म है, और ये भी जो है इसमें सेल का लोहा जो है यूज़ करें, जिसकी लाइफ भी अच्छी है और जो है ताकत भी अच्छी है। और ये जो एंगल है कितनी है भी एंगल, बहुत ही मोटी एंगल जो है इन्होंने इसके अंदर चेसी के अंदर यूज़ करा। तो ये यहाँ पे भाई ये देखो एक तरीके से जैसे ट्रेन चलती है उसी हिसाब से ये पटड़ी बना रखी है प्लांट के बाहर की बाहर, और यहाँ पे जो है शुरुआत होती है आपकी मशीन की बनने की। ये देखो कैसे जो है मशीन एक तरीके से ये तैयार होती है, क्या क्या मटेरियल जो है इसके अंदर लगता है, कितनी मोटी जो है चादरें हैं, सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ दिखाई देंगी मशीन की। ये देखो कितनी मोटी जो है चादर, ये यहाँ पे ये वाली चादर, और जो है लेज़र कटिंग के द्वारा जो है एक तरीके से आपकी मशीन तैयार होती है। अंदर से जो है इस तरीके की मशीन आपको दिखाई देगी, और जब हम इस तरफ से देखेंगे तो इस तरफ से जो है ऐसी जो है मशीन आपको दिखाई देगी। एक तरीके से पूरी चेसी जो है मशीन की यहाँ तैयार होगी, और ये यहाँ पे जो है हाई स्टील जो है ये यूज़ करते हैं। ये बहुत ही शानदार जो है मशीन यहाँ चल रही है जो तैयारी में है। ये देखो कितना अच्छा जो है, और यहाँ पे जो है ये भाई वेल्डिंग कर रहे हैं। ये इधर जो है शॉर्ट ब्लास्ट चल रहा है, ये जो ऐसा आपको लोहा जो दिखाई दे रहा है एक तरीके से, बाद में फिर जो है ये इस तरीके का लोहा आपका प्लांट के अंदर बढ़ के तैयार हो जाता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट ब्लास्ट। ये शॉर्ट ब्लास्ट होने के बाद जो है इसके अंदर पपड़ी वगैरह कुछ भी नहीं बनेगी, और जो है एक तरीके से ओरिजिनल लोहा आपका तैयार होके जो है बाहर निकलता है। और यहाँ पे भी जो है भाई इसके अंदर जो है शॉर्ट ब्लास्ट देखो ना, पेपड़ी बनने का पपड़ी ना बने, इसके अंदर जो है पापड़ी नहीं बने, क्योंकि इसमें जो है शॉर्ट ब्लास्ट की जो विधि है वो इन्होंने इसके अंदर कर रखी है। ये देखो अंदर भी, ये देखो अंदर से जो है ये ब्लैक है, और यहाँ से जो है ये टाटा का लोहा जो है ये लगा रहे हैं, और यहाँ पे जो पूरा काम पूरी टीम जो है लगी हुई है क्योंकि सीजन का टाइम चल रहा है। और यहाँ से ये देखो इस तरीके से जो है मशीन आपकी तैयार हो रही है। सारी जो है केस की जो है एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड की जो है एपॉक्सी प्राइमर लगाने की विधि जो है यहाँ पे लिख रखी है, भाई कैसे कैसे हम जो है इसकी
कैसे कैसे जो है हम क्या क्या प्रोसेस से जो है अपनी मशीन को गुजारते हैं। तो इस तरीके से जो पेंट की क्वालिटी भी लग रखी है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इन्होंने डाल रखी है। ये देखो भाई, बिना पेंट हुए जो है हम आपको जो है ये एलिवेटर दिखा रहे हैं। ये एलिवेटर जो है बिना तैयार करे हुए हैं, अभी जो है स्पेशल जो पेंट वगैरह नहीं किया इन पर। तो ये दिखा रहे हैं हम जो है, ये जो कहते हैं कि स्टेनलेस स्टील, तो वो जो है आपको दिखाई दे रहा होगा कि इधर के लोहे में और इधर के लोहे में कितना फर्क है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे मशीन की तैयार हो रही है, और उस तरफ जो है वो कटर तैयार हो रहा है, और ये शॉर्ट ब्लास्ट वगैरह करने के बाद जो है सारी चीज़ें जो है यहाँ पे तैयार हो रही है मशीन की। ये देखो ये भाई मशीन जो है इधर, ये देखो मशीन एक तरीके से सूख रही है, जो कि इसकी मशीन है। ये देखो ये मशीन जो है यहाँ सूखने का प्रोसेस जो है मशीन का चल रहा है। मशीन की जो बॉडी एक तरीके से वो अच्छी क्वालिटी की तैयार हो, तो वो जो है यहाँ पे जो है प्रोसेस तरीके से चल रहा है। ये सारा जो है केस के प्लांट के अंदर जो है ये ट्रैक वगैरह जो है यहाँ बना रखे हैं, और बाकी जो है प्लांट इधर जो है चल रहा है। इनका देखो कितनी बड़ी लाइनें जो है चल रही है, तीन मशीन एक तरफ, तीन मशीन एक तरफ, दिल्ली की जो है छः मशीनें जो है यहाँ से जो है तैयार होकर चल रही है। आप देख रहे हैं कितने ध्यान से जो है कारीगर लगे हुए हैं, जो मशीनों को एक तरीके से मशीनों के ऊपर जो है काम कर रहे हैं। देखो कितनी मेहनत से जो है, क्योंकि अभी सीजन आने वाला है, और सीजन पे जो मशीन जो है तैयार करके यहाँ पे देनी पड़ती है। तो इस वजह से जो है ये सारा प्लांट यहाँ पे अंदर जो है चल रहा है। आज आके भाई अंदर जो है बुन्नी के प्लांट के अंदर, ये देखो आज आपको दिखाएंगे जो है कैसे जो है मशीनें यहाँ पे जो है बनती हैं। ये देखो अंदर वर्क साफ है, और ये टायर जो है इसमें BKT के ले लो आप, किसी भी चीज़ के ले लो, और ये मशीनें जो है अंदर तैयार होने लग रही हैं। ये देखो छोटी मशीनें भी हैं, ट्रैक हार्वेस्टर ये खड़ी यहाँ पे, ये KS की 6300, और बड़ी मशीन है KS की 9300, ये ट्रैक हार्वेस्टर है, ये भी जो है आप खरीद सकते हैं यहाँ पे। ये देखो और यहाँ पे जो है ये पैडी थ्रेसर, बहुत सारी क्वालिटियों के अलग अलग जो है थ्रेसर यहाँ पे जो है बनने लग रहे हैं। और ये जो है एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है मशीनें जो हैं यहाँ पे बन रही हैं। और जो वो भाई ने बताया, हमारी एक वीडियो और है हमारे YouTube और Facebook चैनल पे, ये यहाँ पे, ये देखो ये यहाँ पे भी जो है स्टेनलेस स्टील का जो है काम बहुत अच्छा जो है इन्होंने यहाँ कर रखा है। जो भी घिसावट का जो भी पार्ट है मशीन के अंदर, वो सारा जो है स्टेनलेस स्टील का जो है ये लोग बनाते हैं। और ये यहाँ पे जो है केस का जो अपना हिस्सा यहाँ पे जो है, ये गेयरबॉक्स जो है इसको बना रहे हैं, और सूखे जो है ड्राई टाइप जो है इसके अंदर आपको ब्रेक मिलेंगे, जिससे जो है मशीन आपकी रुक जाए, सापट वगैरह निकल जाए तो उसके बाद भी जो है मशीन रुक जाए। और जो फर्स्ट क्वालिटी के जापान के बैरिंग वगैरह जो है ये यूज़ करते हैं इसके अंदर। और ये स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगे, और अंदर चलते हैं।